आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे एसिडिटी क्या होता है और क्यों होता है, एसिडिटी में यूज़ होने वाले मेडिकेशंस व उनके डोज के बारे में जानेंगे। तो आप सभी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो एसिडिटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, मतलब खाना खाने के बाद जब खाना या भोजन पेट के अंदर पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है, जिसके लिए नॉर्मल क्वांटिटी में एसिड का होना ज़रूरी है भोजन पचाने के लिए। यह पेट में भोजन को पचाने का काम करता है। जब यह एसिड पेट में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो एसिडिटी हो जाती है। इससे पेट में जलन होने लगती है जो चेस्ट तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डगार आना व इनडाइजेशन जैसी समस्या होने लगती है। अब देखते हैं हमारे पेट में या स्टमक में एसिडिटी की समस्या क्यों होने लगती है। जब पेट में गर्माहट बढ़ने लगती है तो गर्म चीज़ें जैसे अधिक मिर्च मसाला या खटाई खाने से पेट में पित्त या बाइल प्रोड्यूस होता है। सीने और गले में लगातार जलन, सूखी खांसी, पेट फूलना, सांसों में बदबू, खट्टी डकार, कभी कभी वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग में एसिड या खट्टे पदार्थ का निकलना जैसी समस्याएँ एसिडिटी के कारण होने लगती हैं। अब एसिडिटी के सिम्टम्स देखते हैं। इसमें खाने के बाद वह पेट खाली रहने से पेट के बीच में दर्द होना, पेट में जलन होना, एसिडिटी महसूस करना, पेट फूलने की समस्या, जी मचलाना, पेट और सीने में जलन महसूस होना, हृदय में जलन, खट्टी डकारें, ये सारे एसिडिटी के लक्षण हैं। इन सारे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए तीन बेस्ट मेडिसिंस हैं, जिसमें सबसे पहले H2 ब्लॉकर्स मेडिसिंस आती है, फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स और एंटासिड सिरप लेते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। तो जो H2 ब्लॉकर्स है, इसमें सबसे पॉपुलर जो मेडिकेशन है वो है रैनिटिडिन या टैबलेट्स। इसके जो ब्रांड नेम है वो है एसिलोक 150 व एसिलोक 300 mg टैबलेट्स। एसिलोक 150 का जो डोज है वो दिन में दो बार, एक सुबह एक शाम लेना होता है खाली पेट में। कुछ केसेस में 300 mg बेड टाइम में लेना होता है खाली पेट। इस मेडिकेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं एसिलोक टैबलेट लेने के बाद, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, ड्राई माउथ, स्किन ड्राई, हेडेक ईटीसी। दूसरा मेडिकेशन है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है ओमेप्राजोल। इसका जो डोज है वो है 20 से 60 mg पर डे। इसे दिन में तीन बार भी ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं या फिर एक कैप्सूल भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एसिडिटी। वो भी खाली पेट लेना होता है। इसमें नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पेंटोप्राजोल। ये 40 mg में अवेलेबल होते हैं। इसे दिन में एक बार लेना होता है, एक टैबलेट खाली पेट, जैसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। एक से ज़्यादा टैबलेट ना लें क्योंकि इससे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। थर्ड ड्रग है राबेप्राजोल 20 mg वंस आ डे। इसे भी दिन में एक ही बार यूज़ करना होता है। ये सारे मेडिकेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसे आप ले सकते हैं एसिडिटी के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। ये प्रोटोन पंप्स को इनहिबिट करके जो स्टमक में एसिड बनता है उस एसिड की मात्रा को ये मेडिकेशंस कम करते हैं और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक होना, नौशिया या वॉमिटिंग होना, डिजीनेस फील होना, मतलब नींद आना। अब जो नेक्स्ट है एंटासिड सिरप्स। तो एंटासिड सिरप में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होते हैं इसके अंदर, लाइक और कैल्शियम कार्बोनेट, मैगाल्ड्रेट भी रहता है इन सिरप के अंदर। ये सिरप पेशेंट 5 ml लेते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या खाने से पहले भी ले सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं।